नमस्कार दोस्तों, ये मेरा रिसेंटली बनाया हुआ एक एलईडी बोर्ड है और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ये जो एलईडी बोर्ड है इसको हमने कैसे बनाया है, इसका कनेक्शन देखेंगे। और इसमें एक चेजर बोर्ड यूज़ किया है हमने, चेजर बोर्ड का कनेक्शन भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक बोथ साइड एलईडी बोर्ड है और एलईडी का कनेक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल्स में एलईडी का कनेक्शन दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो बोर्ड है इसको अभी हम लोग ऑन करके देखेंगे ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं। इस एलईडी बोर्ड के साथ हमने एक 12 वोल्ट का एसएमपीएस ऐड कर दिया है। देखिए ऑन करते हैं, देखिए इसका वाइट कलर जो है ये बहुत ही ब्राइट है, इसलिए कैमरा में ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा है। इसका बॉर्डर रेड कलर का भी देखिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है। और बैक साइड में देखिए इस साइड में लेटर्स जो है वाइट मतलब रेड कलर का एलईडी से बना हुआ है और बॉर्डर है वाइट कलर का। इसका देखिए चेजर जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ जा रहा है। ये है इस एलईडी बोर्ड का बैक साइड जिसमें ऑलरेडी हमने पूरा कनेक्शन करके रख दिया है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि एलईडी का कनेक्शन एलईडी बोर्ड में कैसे किया जाता है। फिर भी आप लोग थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए इस एलईडी बोर्ड का कनेक्शन। ये यहाँ पे भी सेम चीज़ मतलब सेम कनेक्शन, तीन तीन एलईडी सीरीज़ में और उसके साथ एक 330 ओम्स का रजिस्टर ऐड किया है हमने। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए साइड का बॉर्डर का जो एलईडीज़ है वो तीन तीन करके एलईडी दिया हुआ है और उसके साथ एक 330 ओम्स का रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, मतलब सेम कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए पांच ग्रुप में बांटा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे पांच ग्रुप में बांटा हुआ है। यहाँ पे क्या हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए जितना भी पॉजिटिव्स है मतलब रजिस्टर लगा हुआ जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, मतलब पाँच ग्रुप का पॉजिटिव यहाँ पर कॉमन है। और नेगेटिव जो है नेगेटिव मतलब एक नंबर का पूरा सारा नेगेटिव जितना एक नंबर है, एक नंबर का नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है, दो नंबर का सारा नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसा करके पांच ग्रुप से यहाँ पे हमने बनाया है। क्योंकि हमारा मतलब मेरे पास जो ये है चेजर बोर्ड है वो नेगेटिव को स्विच करने वाला चेजर बोर्ड है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पांच ग्रुप हमने बनाया है और नेगेटिव जो है वो चेजर बोर्ड बोर्ड के साथ जुड़ेगा। ये पांच अलग अलग नेगेटिव है। ये इस एलईडी बोर्ड का चेजर बोर्ड है, ये इस चेजर बोर्ड का बैक साइड है और ये जो चेजर बोर्ड है लोकल में बना हुआ एक चेजर बोर्ड है, ठीक है। और इसका बैक साइड ये फ्रंट साइड देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो प्रीसेट था हमने हटा दिया और यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, तीन रजिस्टर। और ये देखिए यहाँ पे 555 जो आईसी है वो एक है और 4017 आईसी है। और इसका बैक साइड में आप देख सकते हैं पांचों चैनल है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये पांच चैनल। और ये चैनल्स नेगेटिव को स्विच कराता है, ठीक है, स्विच करता है। और यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई का वाइट वाला है पॉजिटिव है और ये ब्लू वाला है नेगेटिव का कनेक्शन, ठीक है। और ये जो चेजर बोर्ड है ये मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ ये इसका काम करता है, ठीक है, ये चेजर बोर्ड काम करता है। और इसका कनेक्शन देखिए यहाँ पे पांचों ग्रुप में बांटा हुआ है, पहले ही बोला है हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पे पांच नंबर नहीं लिखा है, जगह कम है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए 1 2 3 4 और 5, देखिए 1 2 3 4 और 5, ये देखिए ये पांच मतलब ग्रुप में बांटा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन है नेगेटिव को स्विच करा रहा है और चेजर बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो चेजर बोर्ड है ये देखिए हमने बोला है कि ये चेजर बोर्ड ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ काम करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड में आप देख पाएंगे इसका डायोड लगा हुआ है। देखिए मतलब इस तरह का चेजर बोर्ड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ काम करता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।